बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने बात करनी है प्रॉपर्टीज ऑफ रिवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक बात ध्यान से सुनिएगा कि ये जितनी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, ये आगे जरूरत होने वाली है ICS, FSC, इंजीनियरिंग के जो लोग हैं सारे मैट्रिक में ये सारी चीज़ें जरूरत आने वाली हैं। मैट्रिक का तो लेवल कम होता है, ज़्यादातर ये चीज़ें FSC से लेके आगे जनाब मास्टर तक सारी चीज़ें जो है ना बार बार ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पीछा नहीं छोड़ती कभी भी। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बताए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज बताई हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रीवियस लेक्चर में आइडेंटिटीज बताई हैं, इन सब का प्रूफ, इन सब अच्छा एंट्री टेस्ट में भी ये चीज़ें बड़ा हेल्प करती हैं। अभी जो आज प्रॉपर्टीज करवा रहा हूँ और ये इनका प्रूफ भी होगा और सारी आइडेंटिटीज भी बता रहा हूँ, तवज्जो दीजिएगा और ये बहुत हेल्पफुल होगी। प्रॉपर्टीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। आज प्रॉपर्टी नंबर 1 को डिस्कस करते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स किसके इक्वल, एक्स के, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स बिल्कुल उसी तरह, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स एक्स के इक्वल, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स एक्स के इक्वल, कोसिकेंट इनवर्स ऑफ कोसिकेंट एक्स किसके इक्वल, एक्स के, और उसके बाद सीकेंट इनवर्स ऑफ सीकेंट एक्स किसके इक्वल, एक्स के। सिमिलरली इसी चीज को अगर हम यूं देखते हैं कि साइन यूं भी हो सकता है इनवर्स अंदर ले लें, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स फिर भी किसके इक्वल होगा, एक्स के, कॉस ऑफ इनटू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स फिर भी किसके इक्वल, एक्स के, टेन इनटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स किसके इक्वल, एक्स के, फिर कोसिकेंट इनटू कोसिकेंट इनवर्स ऑफ एक्स किसके इक्वल, एक्स के, और उसके बाद सीकेंट इनटू सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स किसके इक्वल, एक्स के, और कॉट इनटू कॉट इनवर्स ऑफ एक्स किसके इक्वल, एक्स के। तो क्वेश्चंस जब आए पड़े होते हैं इस तरह कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 5/2 इज इक्वल टू, एंट्री टेस्ट में ऐसे हल्के हल्के क्वेश्चन होते हैं तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, परेशान होते हैं इस चीज से। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज आती हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन 5/2 किसके इक्वल, जाहिर सी बात है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, यहाँ एक्स की जगह कौन खड़ा है देखिएगा 5/2, आंसर कितना एक्स, एक्स यानी 5/2, ठीक। तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसी तरह आगे कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। जो प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गई उसी के रिस्पेक्ट ये ले लिया उसी का उलट, अब प्रॉपर्टी नंबर 2 पे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिएगा, वेरी इजी, मुझे कोई याद करने वाली बात तो है नहीं, कितनी इजी थी। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है हमें, प्रॉपर्टी नंबर 2 तवज्जो दीजिएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x, सॉरी कोसेक इनवर्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स किसके बराबर, कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स ऑफ 1/x, और टेन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 1/x। इसी तरह बिल्कुल अब मजीद देखें जरा, अगर किसी आइडेंटिटी को इनमें से करना हो प्रूफ
जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स ऑफ वन बाई एक्स है, तो ये क्या होगा, कैसे होगा, तवज्जो दीजिएगा। लेफ्ट हैंड साइड ले, नंबर वन प्रूफ करने जा रहा हूं, लेट कर दें कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स किसके इक्वल, वाई के। ओके ओके, एक्स यहां पर पढ़ रहा है, साइन इनवर्स उधर ले जाए क्या बन जाएगा, साइन वाई, साइन y, दोनों को अगर मैं वन के बटे में लिख दूं, दोनों को वन के बटे में ले आऊं, ये आ गया वन बाय एक्स का वन बाय एक्स, वन ओवर साइन किसका ऐसी प्रोपल होता है, कोसेकेंट का, और जो एंगल में चीज खड़ी है वो तो वैसे आना है, तो ये y का y आ गया, कोसेकेंट इस साइड पे आगे क्या बन जाएगा, कोसेकेंट इनवर्स, और यहां कौन खड़ा है, वन बाय एक्स। अब वाई की वैल्यू आप पुट कर दें, वाई वाई किसके इक्वल है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, वाई की जगह मैं लिख रहा हूं साइन इनवर्स ऑफ एक्स किसके बराबर, कोसेकेंट इनवर्स ऑफ वन बाय एक्स, और ये प्रॉपर्टी नंबर वन प्रूफ हो गई। अब आपने प्रूफ करना है, ट्राई कीजिएगा टू और थ्री को, सिमिलर कोई डिफरेंस नहीं होगा, सेम सेम ऐसे होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे वाई के इक्वल करें, साइन को साइड पे ले जाए, साइन वाई हो गया, दोनों को वन के बटे में ले गया, क्या बन गया, वन बाय एक्स वन बाय साइन वाई। अब शॉर्ट क्वेश्चन में ये चीज पूछी जा सकती है, ये इसके इक्वल है, प्रूफ करें, तो वन बाय एक्स इज इक्वल टू कोसेक वाई, ठीक हो गया, साइन वन वन बाय साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेकेंट का, जो एंगल में खड़ा है वो चीज वैसे आनी है, कोसेकेंट को इस साइड पे ले गया तो क्या बन गया, कोसेकेंट इनवर्स ऑफ यहाँ खड़ा वन बाय एक्स, ये आ गया, वाई बस गया, वाई की वैल्यू पुट कर दिया, वाई किसके इक्वल है, साइन इनवर्स ऑफ, y की जगह sin इनवर्स ऑफ x आ गया, तो sin इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू cosec इनवर्स ऑफ 1 बाय x, ये चीज की प्रॉपर्टी है। इसी तरह अगर अब आ जाए कोई क्वेश्चन MCQs की शक्ल में कि जी sin इनवर्स ऑफ क्या कह रहे हैं कि pi कितना है, sin इनवर्स ऑफ pi कितना होगा, अगर प्रॉपर्टी याद है कोई प्रॉब्लम नहीं है, x की जगह कौन है इसमें बताओ, पाई, तो यहां x है और क्या लगा दें, cosec इनवर्स ऑफ 1 बाय x, x की जगह y, तो ये क्या होगा, ये है बात है। अगर आ जाए कि tan इनवर्स pi बाय 2 कितना, tan इनवर्स pi बाय 2, tan इनवर्स देखिए कितना है, cot इनवर्स ऑफ 1 का 1, x की जगह x की वैल्यू कितनी, पाई बाय 2, अब दो बटे लग जाए तो वैल्यू उलट जाती है, क्या बन जाएगी, cot इनवर्स ऑफ 2 बाय पाई, ये चीज आ गई। तो ये है जी कुछ आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2 को डिस्कस किया आज, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको आपने करना है, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बात हम करेंगे अगली कुछ प्रॉपर्टीज की, थर्ड प्रॉपर्टीज नंबर 3 और उनका प्रूफ, उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन और एमसीक्यूज के हवाले से कुछ ना कुछ बातें। बहुत शुक्रिया।